हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन नासोस सागा। तो कैसे हैं आप लोग? आज संडे और अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि फेस्टिवल टाइम में मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। फेस्टिवल टाइम में मैं अपने होम टाउन निकल जाता हूँ। खैर, फेस्टिवल ना फैमिली के बिना अधूरा। पर इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, घर की साफ सफाई, बस गणेश भगवान और लक्ष्मी जी को लाना है, वो अभी तक हम लोग ला नहीं पाए हैं। प्लस पैकिंग भी है, जहाँ पैकिंग ज़्यादा नहीं है, मोस्टली हम लोग करके बैठ चुके हैं, कर लिया हमने रात में, सो दैट मॉर्निंग में भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, इनका कार्टून चालू हो गया। इधर बीन बैग लिया, बैठ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी मेरी वाइफ मुझसे पूछती है नाश्ता क्या करोगे। मैंने बोला नाश्ता कुछ हलवा वगैरह बना लो, तो कहती है कि सूजी का चिल्ला क्यों नहीं खाओगे। सूजी का चिल्ला नहीं है क्या? सूजी का उत्पम। हाँ, कि सूजी का उत्पम क्यों नहीं खाओगे यार? ये बताओ, ये आप मुझे हेल्दी है। आप मुझे चॉइस दे क्यों रहे हो? फिर आप मुझसे बोलते हो क्या खाओगे जब मैं बता रहा हूँ आपको बनाना नहीं है। तो भाई खुद ही बना लो, पूछने की क्या जरूरत है यार? ये सारे हस्बैंड के साथ होता है यार। तो अभी हम और अंश निकल पड़े हैं कुछ सामान लेने के लिए, और सामान लेके फिर हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अयांश के अकॉर्डिंग हम लोग टॉयलेट जा रहे हैं। कितने टॉयलेट हो गए? 220 बजे। 220 चलिए। तो यार अभी हम आए घर के बाहर, निकलने के बाद बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना, प्लस मार्केट में भी इतनी सारी चीज़ें थी उन सबको देखने चक्कर में और भी ज़्यादा बिजी हो गया, ध्यान नहीं रहा मेरे को। तो कोई नहीं, अभी दिखाता हूँ कि मैं अभी अभी पहले खेलो फिर बाद में चलो कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। और काफ़ी वैरायटी बहुत अच्छी थी, हमें जो बेस्ट लगा वो हम लेके आए हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं वन बाय वन कैसे क्या है। सो सबसे पहला ये मेरा पॉट है। ये पॉट हमने लिया था अपने पौधे के लिए। ये हम लोगों ने एक कुल्लड़ ली कि हम लोग इसमें घर में चाय पियेंगे। मैं दिखाता हूँ, ये गमला जो है वो टूट गया हुआ है, सो इसीलिए मुझे लाना था, बट टाइम नहीं मिल रहा था। उस टाइम मिला तो मैंने कहा लो लेके लगा देते हैं। सो इसको यहाँ पे फिक्स करना है, इसको लगाना है। चलिए इसको कर लेते हैं। सो ये है ये केले का पौधा, इसको हमने इसमें लगा दिया, मिट्टी से ऊपर से कर दी। अब आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जो हमने लेके आए। ये तो शुभ दीपावली वाला है, ये हमने ला के लगा दिया आज ही। नोएडा ब्रह्मपुत्र में इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी जो टांगने वाले शुभ दीपावली का, सब इतने प्यारे प्यारे थे, कुछ कहने को नहीं। पर आप सब नहीं ले सकते हो क्योंकि आपके पास घर नहीं है, और इतना सब लेके करोगे भी हैं। तो हमें जो ठीक लगा वो हमने ले लिया, और कुछ और था मेरे पास ये चीज़ थी। सो ये हमने यहाँ के लिए ले लिया, प्लस कानपुर वाले अपने घर के लिए भी ले लिया, अच्छा लगे। गणेश जी और लक्ष्मी जी लिए हुए हैं, तो उनको भी अभी हम पूजा करके लगा देंगे, रख देंगे। ये देखिए ये फट गया, अभी खून निकल रहा है। कभी भी आपके चेहरे पे पिंपल वगैरह हो ना, तो उस पर फिटकरी रगड़ लीजिए। फिटकरी रगड़ने से ये फ़ायदा होता है कि वो फटे जाएगा और फिर वो धीरे धीरे करके अपने आप निकल जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसके पीछे, या किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आपके चेहरे में, बॉडी में, किसी पार्ट में कभी भी किसी तरह का भी कोई दाना वगैरह होता है, तो आप फिटकरी यूज़ करिए और कुछ यूज मत यूज़ करिए, क्योंकि फिटकरी एंटीसेप्टिक होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कल ऑफिस में क्या बनाया, क्या किया। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद मैंने कुछ
कलर्स वगैरह करें। सो कल मुझे ऑफिस में मौका मिला दिवाली के लिए दिए सजाने को, सो मैंने फिर जो भी समझ में आया मैंने कलर कर दिया, बना दिया, अपने डेस्क पर रख दिया। सो गाइस एंड करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय। सो प्लीज़ सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।